कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज न्याय यात्रा के तीसरे दिन नागालैंड पहुंचे। यहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीतिक बताते हुए कहा कि यह कार्यक्रम मोदी का कार्यक्रम है। राहुल ने कहा बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को मोदी का कार्यक्रम बना दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर धर्म को मानते हैं लेकिन उसे जताना जरूरी नहीं समझते हैं। तो राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को मोदी का कार्यक्रम बना दिया है ये कहकर आज बड़ा हमला बोला बीजेपी के ऊपर। सुन लेते हैं एक बार राहुल गांधी ने आज क्या कुछ कहा। जो तो ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ, जो धर्म यहां पे पहनता है वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। और उधर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि राहुल गांधी कुछ भी कहें लेकिन हमारे लिए राम मंदिर आस्था का विषय है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि मैं राहुल गांधी के इंटरप्रिटेशन में नहीं जाना चाहता, ये सिर दर्द का विषय है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमारी आस्था को डिफाइन करेंगे, ऐसा सोचकर भी हंसी आती है। सुन लेते एक बार। राहुल गांधी जो भी सोचे, उनके गुरु सैम पिट्रोडा ने भी कुछ ऐसे टिप्पणी किया था 5-7 दिन पहले, वो जो भी सोचे वो सोचे। हर भारतवासी के लिए, दक्षिण में या हो, उत्तर में, पश्चिम, पूरब, हर भारतवासी के लिए राम मंदिर एक आस्था का इशू है। इट इज अ डीपली फेल्ट इमोशनल इशू फॉर क्रोर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ इंडियंस। राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन जो भी रहे, हमारे लिए ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही एक डीपली फेल्ट आस्था का इशू है। इसमें राहुल गांधी का टिप्पणी जो भी हो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। जी न्यूज संवाददाता अंजलि सिंह इसी बड़ी खबर पर मेरे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अंजलि, कहीं ना कहीं राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और उन्होंने आज ये बताने की कोशिश की कि देखिए, हम कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने अगर इनकार किया है, इस न्योते को नहीं एक्सेप्ट किया है, तो उसकी वजह यह है कि ये नरेंद्र मोदी फंक्शन है। तो उधर अब बीजेपी भी इस पूरे मामले को लेकर पलटवार है। तो कुल मिलाकर राम मंदिर के ऊपर अब ये सियासी जंग जो है वो आने वाले अगले एक हफ्ते लगता है कि और बढ़ेगी, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है। जी देखिए, बिल्कुल इस तरह की बयानबाजी जो है वो जाहिर सी बात है कि इस पूरी जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, राम मंदिर की स्थापना का कार्यक्रम है, उसमें लेकर राजनीति जो है उसको बढ़ावा ही देगी। लेकिन जहां तक बात करें यहां पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की, अयोध्या में इस समय राम मंदिर के जो तमाम रिचुअल्स हैं उनको लेकर, तो ये इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर जो भाव है वो लोगों के अंदर भक्ति का है, और शायद कांग्रेस के कुछ नेता इस चीज़ को समझते भी हैं। इस यही वजह कि कल एक दल भी यहाँ पर आ गया था, जिसको आप राहुल गांधी के स्टेटमेंट में समझेंगे कि उन्होंने कहा कि कोई व्यक्तिगत तौर पर जा सकता है, और कांग्रेस की ओर से कहा गया कि यूपी के जो नेता यहाँ पर पहुँचे वो राजनीतिक दौरा नहीं था, यहाँ पर मकर संक्रांति के पर्व के आयोजन पर वो लोग पहुँचे थे। लेकिन देखिए, जिस तरह के बयान आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर ये भावना ज़रूर है। उनके जितने हम बात करें अंदर खाने में, जितने उत्तर प्रदेश से खासतौर से जुड़े हुए नेता हैं या हिंदी बेल्ट के नेता हैं, उनको ये पता है कि ये जो स्टेटमेंट है, इस तरह से निमंत्रण अस्वीकार करना या इस तरह की कड़ी बयानबाजी करना, इससे डैमेज होगा, और वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश भी ज़रूर पीछे से की जा रही है। लेकिन कांग्रेस को भी ये विचारना होगा कि क्या
आगे आने वाले चुनावों में ये उनको बैकफायर तो नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर गणित जो कि कांग्रेस के कई नेताओं से जब बातचीत हो रही है तो जिस गणित की वो बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि साहब सिर्फ 37% या आप कहिए कि 40% ही तो बीजेपी को मिला था, बाकी जो वोट बैंक है वो तो एंटी बीजेपी था, यानी हिंदू होते हुए 80% अगर हिंदू है तो उसमें भी बीजेपी को 37% वोट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी बात कही जा रही है और अब ये तो जनता का फैसला होगा। अंजलि, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस अपडेट तक को दर्शकों तक पहुंचाया। Z News.